अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज से कुछ हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट्सअप बैन नंबर को अनबैन कैसे करें। जो तरीका मैंने बताया था, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा अनबैन नहीं हो रहा। मैं जानता हूं कि हर नंबर अनबैन नहीं हो सकता, इसकी कुछ वजह है। मैंने तहकीक करने के बाद जो मुझे एक हल मिला, वो हल ये मिला। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया, भाई मेरा नहीं हो रहा, आप कर दें, आप कर दें। मैंने खुद उनका नंबर मांग के मैंने खुद अपने मोबाइल में चेक किया, पर वो नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा? मैंने सबसे पूछा, मैंने जिस के साथ ये मसला है, मैंने उससे पूछा कि क्या आप जी भी व्हाट्सअप यूज़ करते थे? उन्होंने बोला हाँ। जिस का व्हाट्सअप नंबर बैन है, उन लोगों ने अपने मोबाइल में जी बी व्हाट्सअप इंस्टॉल रखा था, क्योंकि जी बी व्हाट्सअप जो है वो कॉपी है, एक ऑफिशियल व्हाट्सअप नहीं है। जैसे कि एक व्हाट्सअप मैसेंजर होता है, वो नहीं है, ये कॉपी है थर्ड पार्टी ऐप से, जो कि हमें ये कुछ फ्यूचर हमें वो देती है, जैसे कि डिलीट किया हुआ मैसेज हमें दिखा देती है, और भी जो ऑनलाइन होता है वो भी दिखा देती है, जबकि ये थर्ड पार्टी ऐप से, ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नहीं है जो कि ओरिजिनल होता है। तो इसीलिए व्हाट्सअप जो है हमारा नंबर बैन कर रहा है, वो थर्ड पार्टी ऐप्स की वजह से। अगर आप भी जी बी व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद आप नॉर्मल जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप मैनेजर या व्हाट्सअप बिजनेस, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो जी बी व्हाट्सअप वालों के साथ ये मसला आ रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐप्स है, सिक्योरिटी नहीं है, उसकी प्राइवेसी भी सेफ नहीं है, हमारा डेटा चोरी हो सकता है। इस वजह से जो व्हाट्सअप टीम है वो हमें हमारा जो नंबर है वो ब्लॉक कर दे रही, ब्लॉक करने के बाद बैन कर दे रही है। बैन करने के बाद हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो वो अनबैन नहीं कर रही है। तो आप भी इससे बचने के लिए ये कर सकते हैं कि आप अपना जो जी बी व्हाट्सअप है उसको अनइंस्टॉल करके नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नंबर बैन हो चुका है तो वो आपने कोशिश कर ली, वो अनबैन नहीं हो रहा, तो वो फिर कभी नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आपका बाद में दूसरा नंबर बैन हो, इससे अच्छा आप नॉर्मल व्हाट्सअप इंस्टॉल करके उसमें नंबर डाल दे, वो आपका कभी बैन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल है। तो फ्रेंड, इस वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।